हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहां पर, मेरे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद यहां पर, हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथी। साथियों, आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा, भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है। लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को। अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय बिहार।